हाय फ्रेंड, मैं हूं असनुर रहमान और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जुबिन का ऑटोमोबाइल रिपेयरिंग सेंटर। मैं यहां से आप लोगों को बताने वाला हूं और दिखाने वाला हूं टाटा एचजीप का जो मास्टर सिलेंडर है, मास्टर सिलेंडर का किट कैसे सेंस करता है। आइए वीडियो को लास्ट तक देखते रहे और जिन लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरे वीडियो अच्छे अच्छे सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों, मैं आज आप लोगों को और एक जरूरी बात कर रहा हूँ, जो मेरा और एक चैनल है एके मोंजा, उसको भी सब्सक्राइब कर दे रहेना प्लीज़ आप लोग को रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। दोस्तों, मैं मास्टर सिलेंडर का मेन पाइप दोनों को खोल लिया हूँ, ले लिया है और आप लोगों को रिक्वेस्ट कर रहा हूँ धीरे धीरे खोलना ताकि स्लिप ना हो जाए नट को और थ्रेड को ना टूट जाए, स्लिप हो जाए। धीरे से खोलना, यहाँ पे लगा हुआ रहता है मास्टर सिलेंडर के साथ। दोस्तों देख लीजिए मैंने कैसे खोल लिया हूँ, आप लोग को भी दिखा रहा हूँ कौन सा नट खुलना पड़ेगा। देख लीजिए मेरे वीडियो लास्ट तक और जिन लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरे अच्छे अच्छे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों, और जिन लोगों को मेरा बात समझ नहीं आएगा तो कमेंट करके मुझे पूछ सकते हैं, मैं आप लोगों को कमेंट का रिप्लाई दूँगी ज़रूर। देख लीजिए कैसा खोल रहा हूँ आप लोगों को, देख लीजिए ये मास्टर सिलेंडर खुल रहा हूँ, देखिए कौन सा लॉक खुलना पड़ेगा। आप लोग वो भी धीरे धीरे से खुलना। दोस्तों, मैं आप लोगों को एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मेरा और एक चैनल है एके मोंजा, उसको भी सब्सक्राइब कर देना। इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैं वो लिंक दे दूँगी, आप लोग उसको सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़ आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। दोस्तों, ये है एक लॉक जो मास्टर सिलेंडर का लॉक है, इसको खुलना पड़ेगा जो पेट्रोल के साथ रहता है। उसको खुलने के बाद ये मास्टर सिलेंडर का जो लॉक है इसको खुलने के बाद अलग हो जाएगी। ये क्लिप है, इसके यहाँ से लॉक रहता है। देख लीजिए मैंने कैसे कैसे खोल रहा हूँ। मेरा ये वीडियो शूट करने के जब कर रहा हूँ तब बहुत मेहनत हुआ है क्योंकि बहुत अंधेरा था और बहुत छेपा में है, बहुत ज़्यादा कष्ट हुआ है। दोस्तों, मैं आसाम की हूँ इसलिए मेरा हिंदी आप लोगों को समझ नहीं आएगा। दोस्तों, आप लोग जैसे सपोर्ट किया है ऐसे सपोर्ट करते रहिए और मेरा एके मोंजा चैनल को भी सपोर्ट कीजिए, मैं बहुत खुश होंगी। दोस्तों, ये लॉक को मैंने खोल लिया है, देख लीजिए। उसके बाद ये है मास्टर सिलेंडर का साथ एक 12 नंबर नट लगा हुआ रहता है, उसको मैंने खोल रहा हूँ, देख लीजिए। दोस्तों, आप लोगों को मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आराम से नट खोलना, आराम से फिटिंग करना ताकि स्लिप ना हो जाए। दोस्तों, देख लीजिए ऐसे खुलना होगा, कैसे फिटिंग करना होगा। और यहाँ पे ऊपर एक जो मास्टर सिलेंडर का बॉक्स है, बॉक्स के डिक्की है, डिक्की के साथ कैसे जारूल आता है, ब्रेक ऑयल आता है, उसको खुल रहा हूँ अभी, देख लीजिए। वो क्लिप है, वहाँ पे पाइप है जो ये मैं खुल रहा हूँ, ये मेन पाइप है, वहाँ पे आता है, ये लॉक भी दिखाता है, यहाँ पे समाता है ब्रेक ऑयल, आप लोग देख लीजिए। और यहाँ पे मैं दो पाइप रहता है, आता है, खाता है, जाता है और खुलाता है। मैंने आप लोगों को मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ मेरा एक मंजर से मेरे को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरा हिंदी तो आप लोग तो समझते हैं और ज़रूर समझ जाइए। देख लीजिए कौन सा नट खुल रहा हूँ। दोस्तों, हर वीडियो में मैं ऐसा मजाक नहीं कर रहा हूँ, इस वीडियो में मजाक किया है और थोड़ा और मैंने ये मास्टर सिलेंडर को खुल कर निकल लिया है। यहाँ पे ब्रेक का मेन पाइप लगा हुआ रहता है, यहाँ पे मेन पाइप आता है, लगा कर रहता है, यहाँ पे ब्रेक होता है। दोस्तों, देख लीजिए कैसे ब्रेक होता है, कैसे मारता है, मैं दिखाता हूँ आप लोगों को।
ठीक ऐसे होता है, इसका किट गया है इसलिए ब्रेक नहीं हो रहा है, पाम नहीं हो रहा है, मैं इसको खोलूँगी, देख लीजिए। और आप लोगों को ये वीडियो समझ नहीं आएगा क्योंकि मैं अधूरा करके ये वीडियो आप लोगों को दे रहा हूँ, आप लोग देखते रहिए, मैं आप लोगों को फुल वीडियो भेजूँगी ज़रूर। एक ये वीडियो मैंने करते समय मेरा मोबाइल स्विच ऑफ हो गया है इसलिए मैंने रिकॉर्ड ज़्यादा नहीं कर पाया हूँ। देख लीजिए मैं कैसे निकल रहा हूँ किट को, आप लोगों को ए टू जेड दिखाऊंगी नेक्स्ट वीडियो में, आप लोग देखते रहिए। ये ऊपर रहता है किट लगा हुआ रहता है, ये मेन किट यहाँ से ब्रेक होता है, और एक किट रहता है यहाँ पे स्क्रू से लगा हुआ रहता है। मैं स्क्रू को खोलूँगी, स्क्रू वाला नट को, मेरा पास स्क्रू ड्राइवर है और हथौड़ा नहीं है, मातुल नहीं है मेरे पास, मैं मातुल जो बोल्जन है टाटा एसिजिट का एविजिंग बोल्जन उसी तरह से खुल रहा हूँ, देख लीजिए मैं खुल रहा हूँ दोस्तों, मैंने खोल रहा हूँ, लूज कर लिया हूँ, खुल लिया हूँ, उसके बाद मैंने अंदर वाला पॉकेट को निकाल रहा हूँ, देख लीजिए कैसे निकल रहा हूँ, आप लोग पीछे कैसे निकालिए, मैंने निकाल लिया है, ये है पॉकेट, देख लीजिए पॉकेट तो गया है, इसको चेंज करना पड़ेगा दोस्तों। क्या बात है, हिंदी तो ज़्यादा नहीं आता है, क्या करूँ, मुझे तो कोई मालूम ही नहीं होता है दोस्तों। ये है पॉकेट को मैंने निकाल लिया है, उसके बाद मैंने फिटिंग करूँगी, देख लीजिए। और आप लोगों को दिखाते रहूँगा, ये स्क्रू ड्राइवर से इसको यहाँ से एक नाट रहता है, स्क्रू रहता है, उसको भी खुलना पड़ेगा, खुलने के बाद वो पॉकेट निकालेगा, देख लीजिए आप लोगों को आराम से देख लीजिए, ये पॉकेट है यहाँ पे एक, और एक स्क्रू रहता है स्प्रिंग के साथ लगा हुआ रहता है, ये आराम से खुलना, इस देख लीजिए ये है स्क्रू, ये है दोस्तों, ये तो गया है बाहर, निकालने के बाद तो कोई फिटिंग नहीं करता है, मैं तो इसको भी फिटिंग करता हूँ दोस्तों। मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट कर रहा हूँ मेरा एके मोंजा चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, और मेरा वीडियो लास्ट तक देखने के लिए आप लोगों को धन्यवाद, थैंक यू।